हाय गाइस, अगर आपने ईपीएफओ फॉर्म यानी 19 और 10 दोनों एक साथ भरा हुआ है फाइनल सेटलमेंट के लिए, है ना, और काफ़ी दिन हो गया अभी तक आपका सेटल हो ही नहीं रहा है, तो एक भाई ने कमेंट किया था क्या करें, है ना, सेटल नहीं हो रहा है। देखिए 10-12 दिन वाली बात तो चलो कोई ठीक है, इतना तक तो हमें कम से कम इंतज़ार कर ही लेना चाहिए, 20 दिन 25 दिन या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति पर आप इस कदम को उठा सकते हैं। चलिए एक ब्राउजर हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ टाइप कर लेते हैं ईपीएफओ, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस सामने आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस वाले पे हम क्लिक करेंगे। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास कंप्यूटर ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ आपका एफएच आ जाता है, देखिए एफ है आपका ई श्रम कार्ड को लेकर, इस पर वीडियो हमने बना रखा हुआ है ना, तो आपका आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है, कैसे डाउनलोड करते हैं एक वीडियो हमने बना रखा है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हट गया, इसको भी हम हटा सकते हैं, हट गया, ठीक है। अब देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है नीचे गिवेंस, इस वाले पे क्लिक, तो इस वाले पे क्लिक करने के बाद आपका जो है कि ये वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, ये वाला, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ आपको क्या करना है, रजिस्टर ग्रीवेंस, इस पर क्लिक करना है, और आपको एक ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, इतना दिन हो गया भरे हुए अभी तक हमारा सेटल नहीं हुआ है। कि यहाँ पे चार ऑप्शन है, चलिए हम पीएफ मेंबर है तो इस पर हम क्लिक करते हैं, पूरा तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन आप ग्रीवियंस यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, आपके पास क्लेम आईडी है तो ठीक है, नहीं तो फिर नौ पे क्लिक कीजिए, है ना। और यहाँ पे अकाउंट नंबर यानी यूनिवर्सल जो भी यूएन नंबर है, और यही वाला कैप्चा कोड देख के आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, आगे आपके डिटेल्स आ जाएंगे, और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, आपको आगे का प्रोसेस कर लेना है, है ना। तो आप ग्रीवेंस दे सकते हैं, हो सकता है इससे काम बन जाए, हो सकता है क्या जल्द ही काम हो जाता है इससे, हमने एक करके देखा था। देखिए आप इस स्टेज से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।